चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही बिहार में चुनाव की हो गई शंखनाद, लग गई आदर्श आचार संहिता और दीपावली से पहले बिहार को मिल जाएगा नया खेवैया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगी और नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर होगी। 12 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इस चरण में 16 जिलों की 71 सीट पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को होगी, जिसका नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर होगी। 19 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इस चरण में 17 जिलों की 94 सीट पर वोटिंग होनी है, जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होना है, जिसका नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर होगी। 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इस चरण में 15 जिलों की 78 सीट पर वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, जिसके बाद सरकार बनाने का रास्ता साफ होगा। इस चुनाव में महत्वपूर्ण बात यह होगी कि एक बूथ पर सिर्फ 1,000 ही मतदाता होंगे। 6 लाख PPE किट तथा 46 लाख मास्क का उपयोग किया जाएगा। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर तथा 6 लाख फेस शील्ड का उपयोग किया जाएगा। 18 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर हैं, इनमें से 16 लाख वोट डाल सकते हैं। 80 साल की उम्र तक के लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल पाएंगे। चुनाव के लिए 1 घंटे का वक्त बढ़ाया गया है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के आखिरी घंटे में कोरोना पीड़ित मतदान कर सकेंगे। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाकों में 1 घंटे का बढ़ा वक्त मान्य नहीं होगा। लाइव इंडिया के लिए पटना से हीरालाल और अजीत के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।